नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आई नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ाई। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करने में सक्षम नहीं है। बंगाल विधानसभा से दुष्कर्म विरोधी विधेयक पास हो गया है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधेयक को ऐतिहासिक बताया और कहा कि राज्य में विशेष अपराजित टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच में तेजी आएगी। विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इस विधेयक पर सरकार का समर्थन किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र जारी न करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा, उसके तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिल्ली की आप सरकार को घेरा। कहा कि डीटीसी कर्मी भारी मन से पूछ रहे हैं, हम नागरिक पक्के तो नौकरी कच्ची क्यों। उन्होंने कहा कि जो लोग हर दिन लाखों यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाते हैं उन्हें बदले में केवल अन्याय का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि आप और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राहुल ने पिछले सप्ताह डीटीसी की बस में सफर कर ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल से बातचीत की और उनकी परेशानी जाने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को महबूबा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीएम रेड्डी अपने कैबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ कई इलाकों का दौरा करने के बाद खम्मम में रात भर रुके। राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से 2,000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 3-4 सितंबर को बुनई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला बुनई दौरा है। भारत और बुनई के राजनयिक संबंधों को स्थापित हुए 40 साल हो गए हैं। इसी मौके पर पीएम मोदी की यह बुनई यात्रा हो रही है। देश में जातीय जनगणना को लेकर बहस जारी है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिगत जनगणना को देश की एकता अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। इस पर कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल खड़ा किया कि अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी और हाईजैक कर लेंगे और जाति जनगणना कराएंगे। पीएम मोदी बुनई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। यह पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री एशियाई देश बुनई की द्विपक्षीय यात्रा पर होंगे। भारत की आज़ादी के बाद बीते 7 दशकों से अधिक के कालखंड में इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री का बुनई दौरा मुमकिन नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 1 महीने का और समय दिया है। अब राज्य कर्मचारी 2 अक्टूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे। बता दें कि आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। अब उन्हें 1 महीने की छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अक्सर अपनी तस्वीरें, एयरपोर्ट लुक और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार पलों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेता ने अपनी पार्टनर कियारा आडवाणी को ड्रामा क्वीन कहा था। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे युवा तक भारत समाचार।